मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटीय या वास्तविक विक्रय का सम विच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य क्या कहलाता है? सुरक्षा सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। जब कंपनी के द्वारा बजटेड सेल्स निर्धारित कर दी गई कि भाई इतने सीमा तक कंपनी को सेल्स करनी है, जबकि ब्रेक इवन जो सेल्स है उन दोनों सेल्स का जब डिफरेंस निकाला जाता है तो वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि जो वास्तविक विक्रय है और जो ब्रेक इवन पॉइंट किया सेल्स है, विक्रय है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा सीमा का निर्धारण कहलाता है। कुल विक्रय और सम विच्छेद बिंदु पर विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा होता है। सूत्र रूप में भी हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन तरह से हम इसे बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। जो वास्तविक विक्रय है और जो बीईपी सेल्स है, यानी बीईपी सेल्स से जो आधिक्य सेल्स है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय 100 तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू माइनस बीईपी सेल्स वैल्यू या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इन परसेंटेज एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इज मल्टीप्लाइड बाय 100। सुरक्षा सीमा की मात्रा किसी व्यवसाय की सुदृढ़ता की माप एवं सूचक होती है। एक फर्म की लाभप्रदता की तुलना दूसरी फर्म की लाभप्रदता से करने पर सुरक्षा सीमा का प्रयोग फर्मों की सापेक्षिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। यदि यह सीमा ऊंची या अधिक है तो इस तथ्य का संकेत होगा कि उत्पादन या विक्रय की मात्रा में पर्याप्त कमी होने पर भी लाभ बने रहेंगे। इसके विपरीत यदि सुरक्षा सीमा की मात्रा बहुत कम है तो विक्रय या उत्पादन में थोड़ी सी कमी होने पर भी व्यवसाय में हानि होने लगेगी। सुरक्षा सीमा कम होने का कारण सामान्यतया स्थायी व्ययों की अधिकता होती है। अतः ऐसे व्यवसायों में जहां स्थायी व्यय अधिक हों, क्रियाशीलता का स्तर ऊंचा होना आवश्यक है। सुरक्षा सीमा के असंतोषजनक होने पर इसे सुधारने के लिए प्रबंधकों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। अब कैसे उपाय हैं? हाउ टू इम्प्रूव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्रियाशीलता के स्तर में वृद्धि करना, विक्रय मूल्य में वृद्धि करना, स्थिर या परिवर्तनशील लागतों में कमी करना, वर्तमान अलाभकारी उत्पादों के स्थान पर अधिक लाभकारी उत्पादों को प्रतिस्थापित करना, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम,
कीपिंग अ ब्रेक इवन पॉइंट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, लोअरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, लोअरिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इन सेल्स मिक्स. Illustration, you are given the data of XYZ Limited for the year ended 31st March 2009. Sales at the rate of 1 lakh units, variable cost per unit is 6 rupees, fixed cost per annum is 3 lakh. Calculate the margin of safety. Solution, break-even sales equals to fixed cost contribution per unit 3 lakh, 4 rupees equals to 75,000 units. Margin of safety, break even sales ka formula kya tha? Fixed cost divided by contribution per unit. The fixed cost hai 3 lakh divided by contribution kaise niklega? Sales mein se aapka variable cost लेस हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. 10 - 6 = 4, तो 3 lakh / 4 75,000 आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. एक्चुअल सेल्स है 1 lakh यूनिट और ब्रेक इवन सेल्स है 75,000 यूनिट, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 25,000 यूनिट्स. अब इनको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 25,000 यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़, 2,50,000 रुपीज़. ये हो गया आपका ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ये भी है कि जैसे जैसे यदि किसी कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यदि अधिक है तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी या उस संस्था या उस फर्म का लाभ मात्रा अनुपात अधिक होगा. यदि विक्रय में थोड़ी भी कमी होती है तो भी लाभ पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है तो यदि उसकी थोड़ी भी बिक्री में कमी होगी तो वह हानि की ओर जाने का उसका खतरा बना रहेगा. Angle of incidence, the angle which sales line max with the total cost line is known as the angle of incidence. इसके बारे में हम पहले भी आपसे discuss कर चुके हैं. The larger the angle of incidence indicates the higher the margin of profit and profitability above the break-even point. Relationship of BEP, margin of safety and angle of incidence. Break even level, it is the level of production. हम बार बार पढ़ चुके हैं कि break even level कौन सा level है. ये वह level है जहाँ पर किसी भी firm, संस्था या company को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है. At this point, sales and total cost is exactly equal to sales, so that there is no profit and no loss. The company starts earning profit only if actual sales are above break-even sales. A company with a lower break-even point is considered better than a company with a higher break-even point. Angle of incidence and margin of safety. Impact of selling price, fixed cost and variable cost on BEP. The selling price and variable cost has direct impact on the PV ratio, since PV ratio being a function of contribution to sales. हम उसका एक उदाहरण लेंगे. The effects of changes in selling price, variable cost and fixed cost on PV ratio are explained below. An increase in selling price increases the amount of contribution and resulting in improvement in PV ratio. जो selling price यदि बढ़ी तो contribution भी बढ़ेगा, अब contribution बढ़ेगा तो PV ratio में भी improvement आएगा. The decrease in selling price of a product
रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, और यदि सेलिंग प्राइस गिर रही है तो कॉन्ट्रीब्यूशन में भी कमी आएगी और उसका रिजल्ट पीवी रेशियो पर होगा और पीवी रेशियो भी कम हो जाएगा। द इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डज नॉट अफेक्ट द पीवी रेशियो इवन दो इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल प्रॉफिट। जो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर कोई कमी या बढ़ोतरी हो रही है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव पीवी रेशियो पर नहीं पड़ेगा, जबकि टोटल कॉस्ट का टोटल प्रॉफिट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये रिड्यूस करती है कंट्रीब्यूशन को, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट होगा और वो पीवी रेशियो पर भी सीधा सीधा इफेक्ट डालेगी। यदि वेरिएबल कॉस्ट अधिक हो गई और कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो पीवी रेशियो भी कम होगा, वेरिएबल कॉस्ट अगर कम है तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा और पीवी रेशियो भी ज़्यादा होगा। द डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सिमल्टेनियसली द पीवी रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज। द इंक्रीज इन पी वी रेशियो मीन्स लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। द डिक्रीज इन पी वी रेशियो रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं।